चलिए अब हम इस टॉपिक का फोर्थ सीवी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फ्रोजन लिक्विड अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ देखते हैं हम जानते हैं अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तो फ्रोजन स्टेट में भी उसका कुछ वेपर प्रेशर होता है जिसे हम इस ग्राफ की हेल्प से दिखा सकते हैं हमें पता है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका वेपर प्रेशर घटता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज होने लगता है या जमने लगता है इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहते हैं जिसे हमने यहाँ पर टी एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया है अब जब हम सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो नया कर्व ऑफ सल्यूशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा जो कि यहाँ पे पर्पल लाइन से दिखाया गया है अब हम नोटिस करें सल्यूशन का जो कर्व है वो फ्रोजन सॉल्वेंट को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है

डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ दल्यूशन प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम के एफ को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला पुट करें तो हमें डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मिलेगा हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के एफ की जो यूनिट होती है वो होती है लविन के जी सिमिलर टू केबी की यूनिट से निकाला जाता है यहां पे डेल्टा एच फ्यूजन इज ऑफ़ फ्यूजन ऑफ देंट के एफ ऑफ वॉटर एट टू केल्विन होता है वन पॉइंट एट सिक्स केलविन के जी मोलिनव के बराबर